हाँ जी जनाब, तो लाइफ में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना वर्क कर रहे हो, ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और वो चीज़ें पहला कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रूप से किसी भी कार्य को करना, और दूसरी चीज़ लाइफ में इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है। आप डेली टू डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर करें अपने जीवन में, भले वो 0.1% का ही क्यों ना हो, मगर इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और जब ये चीज़ आप मिला देते हैं कंसिस्टेंसी विथ इम्प्रूवमेंट, तो आप किसी भी कार्य में प्रगति हासिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्हीं कुछ बातों से। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि यूट्यूबर के लिए, वो है 4000 का वॉच आवर। चलिए आज समझते हैं इसको कैसे कंप्लीट किया जाता है, कैसे हम इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे मैंने कंप्लीट किया और आप भी मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए जरा बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉच टाइम क्या होता है। तो वॉच टाइम बेसिकली ये होता है कि आपकी वीडियोस को कोई भी बंदा कितने समय तक देख रहा है, उतना आवर्स या फिर उतने मिनट्स को कैलकुलेट करके आवर्स निकाला जाता है। एंड देन 4000 आवर्स जैसे होते हैं आपके, उसके बाद आपके चैनल को बेसिकली मोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके मदद से आप गूगल एडसेंस से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि एज ए रिवॉर्ड्स आप ले सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसको कंप्लीट कैसे करना है। तो जब यहाँ पर बात आ चुकी है कि कितना देर तक या फिर कितने देर तक बंदे आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऑडियंस रिटेंशन या फिर ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको अपने ओर आकर्षित करनी पड़ेगी, अट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तभी बंदा हमारे वीडियोस तक लास्ट तक बने रहेगा और हमें कुछ अच्छा सा वॉच टाइम देकर जाएगा। तो सबसे हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारा टारगेट वॉच टाइम या फिर ऑडियंस रिटेंशन कम से कम 1.5 मिनट का तो होना ही चाहिए। अगर आपकी वीडियो 5 से 6 मिनट की है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो ऑडियंस है वो आप तक आ रहे हैं और इस वीडियो को कम से कम मिनिमम 1.5 मिनट तक तो देख कर जा ही रहे हैं, यानी 1 मिनट 30 सेकंड तक तो देख कर जा ही रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको और भी आगे बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब ये समझते हैं कि 1.5 मिनट तक आखिरकार ऑडियंस रहेगी क्यों, मैं रख कैसे पाऊंगा, अट्रैक्ट कैसे कर पाऊंगा, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज़ रूल फॉलो कर लो यार, कि अपनी वीडियोज़ में आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोल दो जो जिसके वजह से लोग आपको लास्ट तक देखने की कोशिश करें। अब ये हर एक कैटेगरी ऑफ वीडियोज़ में नहीं हो सकती है, ये कॉमेडी वीडियोज़ में हो सकती है, ये किसी एक स्केच टाइप या फिर स्केच कैटेगरी वाली वीडियोज़ में हो सकती है, लेकिन ऐसे टैग कैटेगरी वाली वीडियोज़ में होगी नहीं। लेकिन इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, और वो चीज़ है आप पूरी वीडियो के स्क्रिप्ट बना लीजिए, और जैसे ही आप पूरी वीडियो के स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसके बाद उसी स्क्रिप्ट को पढ़ने के दौरान आपको एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक होगा। अब जैसे वो पॉइंट आपको मिल जाता है जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक होगा, तो उस पहले पॉइंट को आप वीडियो के कुछ स्टार्टिंग के 15 से 20 सेकंड में बोल दीजिए, और उसके बाद उसको इंटरलिंक कीजिए वीडियो के लास्ट 3 से 4 मिनट में, ताकि लोग उसको समझने के लिए लास्ट तक बने रहे, जिससे उनका फायदा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका भी फायदा होगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि ऑडियंस का हमेशा फायदा होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस अपने बिना फायदे के यूट्यूब की वीडियोज बिल्कुल भी नहीं देखती है। अगर बिना फायदा का देखती भी है तो वो कुछ एंटरटेनमेंट वीडियोज ही हो सकती है, आपकी टेक्निकल वीडियोज, आपकी कुछ एडटेक वीडियोस, आपकी कुछ सिखाने वाली चीजें, वो बिना फायदा का बिल्कुल भी नहीं देखेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिस टॉपिक को आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो टॉपिक अगले वाले के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने आपको कहा कि स्क्रिप्ट को आपको इंटरलिंक करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। हमेशा ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, कुछ वीडियो के 10-15-20 सेकंड में कुछ ऐसा बोल दीजिए जो कि इंटरलिंक हो आपके 3 से 4 मिनट की पार्ट के बीच में। साथ ही साथ कुछ वीडियोस को ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए जिससे ऑडियंस आप तक बने रहे। इसके लिए मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, तो तब तक बने रहिएगा, और होप कि यह वीडियो आपको बड़ा बढ़िया लगा होगा। बड़ा बढ़िया लगा तो भाई साहब फिर से कहूँगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये हमारा हक बनता है कि आपसे सब्सक्राइब मैं कराऊँ, तो कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और आपसे लेना चाहूँगा विदा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद मेरे दोस्तों।